ये है एक शॉट गन और ये है दूसरा शॉट गन। इन दोनों को आप एक साथ चला सकते हो। बहुत ही खतरनाक ट्रिक है भीड़ू, लेकिन इससे भी खतरनाक है भीमा शक्ति का ये ट्रिक। चलो बताता हूँ, जो भीमा शक्ति का टावर है इसके नीचे आपको एक छोटा वाला रूम देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर आप जा नहीं सकते, लेकिन एक टेलीपोर्ट मशीन को सेट करके और फिर टेलीपोर्ट करोगे तो आप सीधा इसके अंदर आ जाओगे भाई। और इसके अंदर आने के बाद में तो कोई एनिमी आपको देख भी नहीं सकता। और अभी देखो, मेरे टीममेट ने दो जनों की पेटी तो बना दी है और उनका जो तीसरा बंदा है वो बाहर है भाई। और देखो कैसे लूट रहा है भाई, इसको कुछ होश ही नहीं है। चलो इसकी पेटी बनाते हैं और फटाफट फिर से टेलीपोर्ट करके उसके अंदर चले जाएंगे, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा और ऐसे करके भाई मैं पूरा स्क्वाड खा जाऊंगा। नंबर सेकंड जो कि है ग्रेव लेव्स का, जस्ट ये ग्रेव लेव्स की मेन बिल्डिंग है, उसके आपको ये वाली लोकेशन पे आ जाना है और यहाँ पर आपको क्राउच होना है और जो स्टिक से आगे आना है। और देखो भाई सीधा आप इस बिल्डिंग के अंदर घुस जाओगे यार, बिना किसी और चीज के। और इसके अंदर रह के आप बाहर वाले बंदों को भी मार सकते हो। और ये सेम चीज आपको दूसरी साइड भी देखने के लिए मिलता है, और दूसरी साइड भी आप बड़ी आसानी के साथ भाई इसके अंदर घुस सकते हो। और ये तो कुछ ही नहीं है बीड़ू, अब दिखाता हूँ तुम्हें सबसे मस्त चीज। सॉरी ये नहीं है। देखो आपको इस जगह पे आके बस कॉर्नर से अंदर घुसना है, और जैसे आप इधर कॉर्नर से अंदर घुसोगे तो भाई आप उसके अंदर नहीं, सीधा उसके ऊपर आ जाओगे। अभी देखो भाई मेरा टीममेट भी ऊपर है और मैं भी ऊपर आ चुका हूँ दीवार के ऊपर, और वो भी उसके अंदर रह के बाहर वाले बंदों को भी मार सकते हो। मस्त ट्रिक है, यूज करके देखना। नेक्स्ट जो कि है फैक्ट्री का, फैक्ट्री की आपको किसी भी एक साइड पे आ जाना है, या तो आप इधर आ सकते हो या उधर जा सकते हो। फिर आपको लॉन्च पैड प्लस फायर दोनों ऑप्शन को एक साथ क्लिक करना है एंड यहाँ पर इजिली जो ये लॉन्च पैड है सेट हो जाएगा। और फिर इस लॉन्च पैड को यूज करो, देन एग्जिट करो, और एग्जिट करते हो आप सीधा फैक्ट्री की इस दीवार के अंदर आ जाओगे भाई। अभी देखो मैं भी इस दीवार के अंदर आ चुका हूँ, जिसके अंदर मेरे को कोई देख ही नहीं सकता, और गलती से बाहर भी निकल गया। फिर से लॉन्च पैड को यूज करके एग्जिट करना है और फिर से आप इसके अंदर आ जाओगे। नंबर फोर जो की है इंटेलेक्ट सेंटर का, इंटेलेक्ट सेंटर पे जो ये मेन टावर है बस इसके ऊपर आपको एक टेलीपोर्ट मशीन सेट करना है, और वो सीधा इसके अंदर सेट होगा, और टेलीपोर्ट करके आप सीधा इसके अंदर आ जाओगे। और इसके अंदर आने के बाद में भाई आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई भूल भुलैया में आ गए, चारों तरफ आपको दरवाजे दरवाजे नजर आएंगे। और इसके अंदर से आप बंदों को तो मार नहीं सकते, लेकिन बाहर निकल के आसानी से बंदों को मार सकते हो। और दोस्तों तुम्हारे लिए यार मैं अपना जान तक कुर्बान कर सकता हूँ, चिराग लेके ढूंढोगे तो भी मेरे जैसा यूट्यूबर नहीं मिलेगा। प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करो यार चैनल को, दिल टूट जाता है मेरा। फेविक्विक कुछ भी जोड़े 5 रुपए में। नंबर फोर चलो आपको सोशल आइलैंड का एक ऐसा ट्रिक दिखाता हूँ जिससे आप बाइक को हवा में उड़ा सकते हो। एकदम मस्त ट्रिक है, आप बस देखते जाओ। आपको गाड़ी को इस फुटबॉल ग्राउंड में लेके आना है, और यहाँ पर आपको ये छोटा सा गार्डन मिलेगा, इसके ऊपर चढ़ा दो और यहाँ से धीरे धीरे आपको नीचे उतारना है। और जैसे आप धीरे धीरे गाड़ी को नीचे उतारोगे, आपकी गाड़ी का जो पीछे वाला टायर है वो कुछ इस तरीके से इसके अंदर फंस जाएगा, और फिर आपको कुछ भी नहीं करना है। इधर ये साइड वाला बटन और ये रेस वाला बटन दोनों को एक साथ दबाए रखना है, और धीरे धीरे आपका जो गाड़ी वो कुछ इस तरीके से घूमता रहेगा, और बस वेट करना है जैसे ही गाड़ी पूरा घूमेगा यहाँ से निकल जाएगा। ओके निकल चुका है। और भाई अभी बाइक का स्पीड देखो, अबे 200 से भी ज्यादा स्पीड हो चुका है भाई। इतना स्पीड में ये टेंगे टेंगे उड़ जाए तो ये बाइक कैसे नहीं उड़ेगा। अरे उड़ जा, ओ भाई देखो, मतलब मेरे को भी इतना उम्मीद नहीं था, ज्यादा ही उड़ गया भाई। खैर छोड़ो, आप भी ऐसे बाइक को उड़ा सकते हो। फाइनली नीचे भी आ चुके हैं, इसी बात पे वीडियो को एक लाइक कर दो भाई। नेक्स्ट भाई स्ट्रिक से आपका जो ग्लूवॉल है वो अजय अमर, मतलब कभी ना फूटने वाला ऐसा ग्लूवॉल बन जाएगा। बस हैंगर पे जो वेयर हाउस है इसके ऊपर आपको ग्लूवॉल को सेट करना है। और फिर देखो मेरी जान, आपका जो ग्लूवॉल होगा उसको फोड़ना तो छोड़ो, उसको कोई एक गोली तक टच नहीं कर सकता। आप कितना भी गोली मार लो भाई, इसको कुछ होने वाला ही नहीं है। और स्ट्रिक से आप अपने फ्रेंड को भी पागल बना सकते हो, उससे बोलना है आपको ग्लूवॉल फोड़ने को, भाई उसके साथ पुष्टे मिलके फोड़ेगी फिर भी ये नहीं फूटेगा। मस्त है ना, अब तो लाइक कर दो यार। नंबर 6 जो की है रिमना विलेज का, ये है रिमना विलेज, और इसके पास आपको ये छोटा सा घर देखने के लिए मिलेगा। इसके नीचे आके लेट जाना है, देन अपने फ्रेंड से बोलो पीछे से ये लंबरगिनी को लेके आए और आपके ऊपर लाके चढ़ा दे। फिर आपको जॉयस्टिक को थोड़ा बहुत मूव करना है और आप सीधा जमीन के अंदर आ जाओगे। यहाँ से आप पूरा रिमना विलेज को भी देख सकते हो, या फिर आपके पास कोई बंदा आ जाता है बस आपको क्राउच करना है, और देखो फिर आप सीधा खड़े होकर उस बंदे को मार दो, और वापस से क्राउच होने के बाद में आप सीधा जमीन के अंदर आ जाओगे भाई। और फिर तो आपको कोई देख ही नहीं पाएगा। देखो अभी मैं पूरी तरीके से भाई गायब हो चुका हूँ, और स्टिक को करके आप बंदों को मारोगे नहीं भाई, उनका भूत बना दोगे। नेक्स्ट जो की है
लैंगर का, जो ये वाला वेयर हाउस है, आपको बस इसके साइड में आना है, गुलवोल को सेट करना है, फिर जो ये कंटेनर है इनके ऊपर चढ़ना, यहाँ से जम करके आराम से चढ़ जाना, फिर यहाँ से आपको इधर आना है और यहाँ से गुलवोल के ऊपर से एक और जम करना है, आप सीधा इस वेयर हाउस के ऊपर आ जाओगे। देन आपको इस वेयर हाउस के बिल्कुल टॉप पे चले जाना है और यहाँ पर आके सिंपली आपको लेट जाना है। अब देखो, आपको लेटने के बाद में इंटरनेट वाले सेक्शन में आना है, इंटरनेट को ऑफ कर देना है और जैसे आपका पिंग 99 प्लस हो जाए, देन आपको यहाँ से रन करना है और भागते भागते आपको थोड़ा बहुत दूर जाना है और जैसे आप थोड़ा बहुत दूर चले जाते हो, बस आपको अपने इंटरनेट सेक्शन में फिर से आना है, इंटरनेट को ऑन करना है और जैसे नॉर्मल पिंग आएगा, लो भाई आप सीधा इस वेयर हाउस के अंदर आ जाने वाले हो। और इसके अंदर आने के बाद में मस्त चीज बताऊं, ना ही आप नीचे किसी एनिमी को मार सकते हो, ना ही नीचे वाला एनिमी आपको मार सकता है। हाँ, आप आपस में एक दूसरे को देख जरूर सकते हो और नीचे वाले एनिमी को तो ऐसा लगेगा जैसे आप हवा में उड़ रहे हो। देखो, मेरे टीममेट के व्यू से आपको दिखाता हूँ, देखो मेरे टीममेट को ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ भाई, लेकिन हम एक इनविजिबल वॉल के ऊपर खड़े हुए हैं। नंबर 8, जो कि है स्टील पोर्ट मशीन का, जस्ट आपको स्टील पोर्ट मशीन को लेके ये एल शेप हाउस के अंदर आना है और इसके अंदर जो ये सीढ़ियां है इसके नीचे आपको जस्ट स्टील पोर्ट मशीन को सेट करना है लाइक दिस। और फिर देखो, आपका जो टेलीपोर्ट मशीन है वो यहाँ पर सेट तो हो जाएगा, लेकिन आपको दो ग्लूवॉल कुछ इस तरीके से इसके आगे लगाना है, फिर आपको टेलीपोर्ट करना है और आप इसके अंदर नहीं जाओगे। इसके अंदर जाने के लिए आपको वापस से टेलीपोर्ट मशीन के पास आना है और जो स्टिक को आगे पकड़ के देन टेलीपोर्ट पे क्लिक करना है और फिर आप इसके अंदर आ जाओगे। और इसके से मेरा मतलब है सीढ़ियों के अंदर आ जाओगे मेरे भाई, जहाँ पर आके आपको ना ही कोई मार सकता है, ना ही कोई देख सकता है। और आपको अगर बाहर बंदों को मारना है, जस्ट आपको टेलीपोर्ट पे क्लिक करना है, बाहर निकलना है और बंदों को मारना है और फिर से आपको टेलीपोर्ट पे क्लिक करना है और वापस इसके अंदर आ जाओ। ऐसे करके आप बंदों को चकमा भी दे सकते हो और मस्त किल पे किल भी कर सकते हो। नेक्स्ट स्टिक को करने के लिए आपको अपने टीममेट से बोलना है इस लॉन्च पैड को यूज करे, देन आपको एक गाड़ी चाहिए और उस गाड़ी को लेके जाना है, इस लॉन्च पैड के अंदर घुसा देना है लाइक दिस। फिर अपने टीममेट से बोलो जो ये लॉन्च पैड है इसको नीचे कर दे और जैसे आपकी गाड़ी के टायर कुछ इस तरीके से अंदर चले जाता है, देन आपको गाड़ी से एग्जिट कर देना है और फिर देखो आपकी जो गाड़ी के टायर होंगे वो परमानेंट इसके अंदर ही घुसते रह जाएंगे भाई, कुछ इस तरीके से। और अब आपको अपने टीममेट से बोलना है गाड़ी में आके ड्राइव करे और आपको इंटर करके गाड़ी में बगल की सीट पे बैठ जाना है और फिर देखो भाई आपका गाड़ी बिना टायरों के भी चलने लगेगा। अभी देखो टायर ही नहीं है भाई, गाड़ी के दो चार जितने टायर है सारे ऊपर है। नंबर 10, ये भी मस्त ट्रिक है भाई, क्योंकि ये ट्रिक है पीक का, जस्ट पीक पे जो ये बड़े वाले पत्थर होते हैं आपको इसके ऊपर आना है और यहाँ से जो ये पोस्टर है इसके ऊपर एम करके इस टेलीपोर्ट मशीन को सेट करना है। थोड़ा मेहनत करोगे तो आराम से सेट हो जाएगा, फिर टेलीपोर्ट करके सीधा इस पोस्टर के ऊपर आ जाओ। अब यहाँ पर आके देखो, इस छत पे भी कोई बंदे होते हैं तो यहाँ से आप उनको भी बड़ी आसानी से मार सकते हो और नीचे वाले बंदों को तो उनकी पेटी बनने के बाद में पता चलता है कि उनको कहाँ से मारा, कोई ध्यान ही नहीं देता इस जगह पे। और हाँ, ये वीडियो थोड़ा ज्यादा ही लेट हो गया, ज्यादा नहीं मेरा मतलब बहुत ज्यादा भाई, 17 दिन हो गया यार, अब से कोई भी इतना लेट नहीं होगा। खैर छोड़ो, हो गया उसको क्या कर सकते हैं भाई, हम एक मिथ ट्राई करते हैं जिसको दिया है फ्री फायर 99 ने। इनका कहना है अगर आप गाड़ी के ऊपर एक लैंडमाइन को सेट करोगे और गाड़ी को ड्राइव करके आगे ले जाओगे, फिर आपका जो लैंडमाइन होगा उससे 1% भी डैमेज नहीं आएगा। क्या बात कर रहे हो भाई, सच में ऐसा होता है? ओके, गाड़ी भी मिल चुका है, लैंडमाइन भी मिल चुका है, बस इसके ऊपर लैंडमाइन को सेट करना है, देन गाड़ी को ड्राइव करके आगे लेके जाना है। ठीक है, ये हमारा जो लैंडमाइन है वो हवा में रह चुका है, देखा जाए तो डैमेज आना ही नहीं चाहिए क्योंकि लैंडमाइन यार हवा में पता नहीं आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। चलो ट्राई करके देखते हैं, 3, 2, 1 और हाँ भाई चलो, ये ट्रिक है संतोषा का एंड काफी मस्त ट्रिक है। संतोषा पे जो ये वाला जिपलाइन है, बस आपको इसके पास आना है और इससे जैसे आप सामने देखोगे तो आपको एक ये पेड़ मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं करना, जो ये पेड़ है बस इसके ऊपर आपको एक ग्लूवॉल को सेट करना है और फिर फटाफट आपको इस जिपलाइन को यूज करना है और जैसे इस ग्लूवॉल के पास जाओ जस्ट आपको कैंसिल कर देना है और देखो आप इस ग्लूवॉल के ऊपर आ जाओगे जिससे आप सीधा इस पेड़ के ऊपर भी चढ़ सकते हो। बस आपको जो स्टिक को लेफ्ट राइट मूव करते रहना है और ऐसा ऐसा आप धीरे धीरे भाई इस पेड़ के पूरा एकदम टॉप पे आ जाओगे मेरी तरह। देखो अभी मैं आने वाला हूँ, बस आ चुका हूँ भाई, और यहाँ पर आके आराम से नीचे वाले बंदों को मारो या फिर अगर गलती से बंदों को दिख गए तो भाई आपकी पेटी बनना तय है। वीडियो खत्म। अगर तुम भी रैंक मैच के अंदर गायब होना चाहते हो तो इधर लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो या फिर मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हो तो इधर राइट साइड क्लिक करो, जाके देखो। चाहो भाई।